मोगा के सरकारी अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड के पीछे कुत्ता एक मेल भ्रूण को नोच रहा था कि वहां पर काम कर रही लेबर ने उसे देखा और डॉक्टरों को सूचित किया, जबकि भ्रूण की एक बाजू अलग हो गई थी और सर को काफी नोचा हुआ गया था। जी हां, मामले की जानकारी देते हुए SMO गगनदीप सिंह ने बताया कि हमें पता चला था कि जच्चा बच्चा की वार्ड की पिछली दीवार के साथ एक भ्रूण पड़ा है। हम मौके पर पहुंचे और उसे कब्जे में ले लिया गया है। इसकी जानकारी पुलिस को हमने इसकी जांच भी करवाई। गर्भवती महिला 31 अक्टूबर को दाखिल हुई थी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी। उसकी डिलीवरी के लिए उसे दाखिल किया गया था और उसको पेन के लिए मेडिसिन दी गई थी, लेकिन जब वो रात को फ्लश में ही उसकी डिलीवरी हो गई और भ्रूण फ्लश में ही बह गया। उसने हमारे स्टाफ को भी बताया, लेकिन स्टाफ ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यह भ्रूण पानी के प्रेशर के कारण बाहर आ गया। इसमें स्टाफ की गलती तो है, जिन्होंने उच्च अधिकारियों को इस डिलीवरी के बारे में बताया नहीं। हमने पुलिस को सूचित कर दिया था और 3 मेंबरों को बोर्ड बनाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है और भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने भी मरीज के रिश्तेदारों से बात की, उन्होंने मुझे यही बताया कि फ्लश में डिलीवरी हुई है। सवेरे सानूं 9 बजे पता लग्या जी, उत्थे गायनी दी विंग दे साइड बैक साइड नवीं बिल्डिंग बन रही, उत्थे एक भ्रूण पिया होया। जो असीं जाके देखिया फिर असीं उहनूं सारा मर्सी च शिफ्ट कराता हैगा, पुलिस इनफॉर्म कर दित्ती हैगी। ओह सारी इन्वैसटिगेशन तों पता लग्या वी इक पेशेंट साडे कोले 21 तरीक नूं दाखल होया सीगा दर्दां नाल। उहदा जिहड़ा स्कैन दे अकॉर्डिंग उहदा 5 महीने का बच्चा सीगा, जिहड़ा कि जमांदरू जिहदे च खास काफ़ी नुक्स कारण बच्चा अंदर खराब सीगा, धड़कन भी छोटे सी। डॉक्टर ने उन्होंने डिलीवरी वास्ते डन कर लिया सीगा, तो उहदी दवाई शुरू कर दी गई सी। अचानक रात में उन्होंने दर्दां लगियां या बाथरूम च गई है, तो बाथरूम च ही डिलीवर करती, तो बच्चा जिहड़ा फ्लैश चला गया। फ्लैश राही जिहड़ा कि पाइप राही थले बाहर आ गया, तो वो जिहड़ा कि लेकिन यह पता लग्या 24 तरीक नूं सवेरे। साडे स्टाफ ने अगे अथॉरिटीज़ नूं इनफॉर्म नहीं किया भी इस तरह की डिलीवरी हुई सी। डॉक्टर ने फोन पर पूछ लिया भी मरीज की डिलीवरी हो गई, कहते हाँ जी होगी। नहीं, स्टाफ की डिलीवरी की इनकैली तो नहीं अं कह सकते, लेकिन स्टाफ की यह इनकैली जरूर है कि स्टाफ ने उच्च अपने कंसर्न डॉक्टर जिदे को मरीज दाखिल उन्होंने डिटेल नहीं दसी, तो ना ही उच्च अधिकारियों के नोटिस एक गल लेके आती है भी इस तरह का भी जोड़ा कि डिलीवरी बाथरूम छो के बच्चा जो फ्लश चुट गया। वो संबंध से सिविल सर्जन साहब के नोटिस असं लेके आता, पुलिस ने भी नोटिस ले इनफॉर्म करता सिविल सर्जन साहब ने एक अपना 3 मैंबरी ACS से डिस् जिला परिवार भलाई अफसर तो SMO मोगा जी तक चार मेरे को अच्छे थोड़े दिन तो 3 मैंबरी कमेटी बना के सारे के बयान को लैके मरीज के रिश्तेदार के मरीज के बयान लैके असी मुढ़ली जी रिपोर्ट हैगी सिविल सर्जन साहब को सौंप दी है। मरीज रिश्तेदार ने भी दस यही दसिया जी सा मरीज साढ़ा दाखिल होया, असी मरीज को लैके आए थे, साढ़े बच्चे जमानदरू नुक से असी दाखिल कराया डिलीवरी वास्ते, तो जो रात नर्सा ने दवाई दी तो उस अद्धे पौने घंटे बाद मरीज में लैटरीन का प्रेशर पाया, तो बाथरूम चली गई। बाथरूम से उन्होंने जेड़े पता लग्या, तो उन्हें अपने ननान को दसिया भी मेरे शायद लैटरीन निकली या बच्चा निकल गया, तो जो हाथ पा के वह कहते पता लग देखा तो बच्चा हाथ ने हाथ चो स्लिप कर निकलते इन्हें हाथ चो स्लिप करके फ्लैश चला गया, तो इन्होंने आके स्टाफ को दसिया। मरीज ने भी यही गल दसी है भी बच्चा जो फ्लैश ही साढ़े तो डिलीवर हो गया। एक लिबास भ्रूण मिलया, असी वो भ्रूण कब्जे लैके अगली कार्रवाई शुरू करती, ये भ्रूण सरकारी अस्पताल की बैकसाइड पेगा, अभी 174 की कार्रवाई कर रहे हैं जी, जो भी अगली कार्रवाई पाँच करा।